اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وإيمانا مستقيما وفضلا دائما ونزلا رحمة وأكلا كاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وسيئا مشكورا وقلبا مغفورا. सब बेहतर तरीके से जानते हैं आज हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि जो भी हमने फाउंडेशंस रखी जो हज़रत बल में हमारी कुछ कमियाँ थी खामियाँ थी लोगों को बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात पेश आते थे क्योंकि ये मदीनतुन सानी के नाम से माना जाता है और यहाँ पर लोग हर जगह से आते हैं। यहाँ वो जुखानों की काफ़ी कमी थी लोगों की काफ़ी डिमांड थी और जब से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड नए सिरे से तश्कील पाया तब से हमने सोचा कि जो जो हमारी ज़ियारतें हैं दरगाहें हैं मसाजिद है या हमारा कोई भी एसेट है वहाँ जो तामीराती काम होना चाहिए वो जल्द अज जल्द होना चाहिए। और इस सिलसिले में पिछले 2 साल से हम ये मानेंगे कि पहले 1.5 साल से हम इस काम में लगे हैं और अल्लाह का करम है कि अब जो जो काम हमने हाथ में लिए थे उनका पाए तकमील तक हमने पहुंचाया है और आज यहाँ पे जो सबसे बड़ी लोगों की डिमांड थी उसको आज हम इनॉग्रेट कर रहे हैं। फाउंडेशन भी रखा था और यहाँ पर जो अंदर आप अभी हमारे साथ आए हैं यहाँ पर भी जो भी अभी चीज़ें हैं वो भी हमें बिल्कुल जल्द अज जल्द ठीक करनी है और बाकी दरगाहों में भी बाकी ज़ियारतों पे भी वक्फ़ का यही काम है कि जो भी हमारे ज़ेर एहतमाम जो वक्फ़ के आते हैं उनमें कोई खामी नहीं रहेगी और लोगों को कोई शिकायत नहीं रहेगी। तैयारियों के लिए हम यहाँ पे तो बड़ा मरकज़ है हज़रत बल में यहाँ की तैयारियों का भी जायज़ा लेना है और मुकम्मल तो है ही इंशाअल्लाह रहमान कल का दिन ही बच गया है और बाकी दरगाहों में बाकी मसाजिदों में भी जो भी वक्फ़ के अंडर आता है उसमें नी ईद की नमाज बिना किसी खलल के होगी लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हम लोगों को यही कहेंगे कि बस आप आइए और नमाज़ पढ़िए। मैम सिक्योरिटी की कि अभी आप जा भी सकते हैं हम वहाँ पे काम कर रहे हैं अभी इस सिलसिले में हमने कोई मीटिंग नहीं की अगर ऐसा हुआ तो आपको हम मुतल्लक करेंगे। तो इंशाल्लाह लगता है कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक अल्लाह ताला हमेशा अमन यहाँ पे कायम रखे तो इंशाल्लाह हम वहाँ नमाज पढ़ेंगे।